ओके, तो अक्षय कुमार की मूवी का ट्रेलर आया और ये साल की आई थिंक तीसरी या चौथी मूवी है। मुझे करेक्ट कर देना जरा कमेंट में, मेरे को याद नहीं कितनी मूवीज आ चुकी हैं और अभी कितनी आनी है। अभी तो सिंघम तो आनी आनी है, आई थिंक दो मूवीज और आनी है। वेलकम टू द जंगल शायद से पोस्टपोन हो रही है, तो यार देखते फटाफट से ट्रेलर कैसा है। मेरा नाम वीर मात्रे है। मैं जरंदेश्वर के पास एक गांव से हूँ। मैं गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ। अगर भूल से भी पैसा आता है तो वो कर्जा देने में चला जाता। मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आइडिया है, बिजनेस आइडिया। कोई ना कोई स्कैम ही होगा। मिनिस्टर साहब अभी बिजी है, कल पक्का। सर मेरे पास आपके 100 कार्ड है। मैंने 1000 छपवाए। अब एक बार मेरा प्रपोजल देख तो लीजिए सर। फोटो किसकी है इधर, हर जगह लगी हुई? परेश गोस्वामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाई उसने। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं वो, 10 फीट के रेडियस में जाके दिखाओ। हेलो सर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट एन एयरलाइन? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। सर अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारी बगल में आके बैठे, मैं नहीं चाहता। एयरलाइन चलाना बड़े लोगों का काम है, तुम गांव जाओ और अपनी गाय भैंस चलाओ। कहां चील गिद्ध के बीच में अपनी छोटी सी चोंच घुसा रहे हो, तुम कौन हो? वो आम आदमी जो अब जेब में 1 रुपए लेकर भी उड़ने का सपना देख सकता है। 1 रुपए का फ्लाइट टिकट? क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया? सर मुझे बस एक मौका चाहिए सर, सर मैं चाहता हूँ आम आदमी आसमान छू सके सर। वीर कहता है गांव वालों को प्लेन में बिठाएगा। हर पंछी जिसके पर होते हैं जरूरी नहीं कि वो उड़ सकता। वो जो कहता है करके दिखाता है, करेगा ना? ओ आई बस चलो। खाना पानी बिजली मेडिकल फैसिलिटीज की तरह लो कॉस्ट एविएशन भी हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। मैं आम आदमी के लिए सिर्फ कॉस्ट बैरियर नहीं, साला कास्ट बैरियर भी तोड़ना चाहता हूं। जुलाई, अरे भाई कितनी मूवीज आ रही हैं यार 12 को। ओके, तो ट्रेलर काफी अच्छा है और मेरे को जितना पता है इस मूवी के बारे में, ये रीमेक मूवी है, उड़ान मूवी का नाम है इसका ओरिजिनल जो मूवी है, और डायरेक्टर भी सेम है इसके मूवी के जिन्होंने उड़ान मूवी बनाई थी। ट्रेलर अच्छा है, बाकी मैंने उड़ान मूवी देखी नहीं है तो मैं अभी भी नहीं देखूंगा, पहले सरफिरा देखूंगा उसके बाद उड़ान मूवी मैं देखना प्रेफर करूंगा। 12 जुलाई को आ रही है मूवी, और एक सेकंड जरा चेक करेगी 12 जुलाई को और कौन कौन सी मूवीज आ रही है, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। मेन तो यार यही आ रही है, इंडियन आ रही है, सरफिरा हो गई, मेन क्लैश तो हो रहा है 15 अगस्त को, काफी सारी मूवीज आ रही हैं। उस टॉपिक को तो हम अलग से कवर करेंगे, हो सकता है एक आध दिन में आपको वीडियो मिल जाए देखने को उस बारे में। बाकी हाँ, ट्रेलर पे अगर हम वापस आए तो ट्रेलर अच्छा है, अक्षय कुमार की एक्टिंग वही जैसी हम देखते आ रहे हैं सेम वैसी, क्योंकि उनको फटाफट से पैकअप करना होता है आई थिंक 40 दिन के अंदर। बाकी ठीक है, परेश रावल देखने को मिल रहा है काफी टाइम बाद, याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट मूवी में कब देखा था परेश रावल सर को। मूवी आई थिंक अच्छी होगी क्योंकि उड़ान मूवी जो जिस मूवी का रीमेक है वो काफी अच्छी मूवी बताते हैं और डायरेक्टर भी सेम है, मजा आएगा मूवी देखने में। बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोगों ने उड़ान मूवी देखी तो कैसी है उड़ान मूवी, और अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।